नमस्कार, आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपको 16 ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप बिजनेस को अच्छा बना सकते हैं। 16 ऐसी बातें हैं जिसे आप अगर अपनी ज़िंदगी में लाते हैं, अपने बिजनेस में एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इतिहास में भी आपको ऐसे बड़े बड़े नाम दिखेंगे, टाटा, बिरला, अंबानी, जिन्होंने थोड़े से पैसों से शुरुआत की, लेकिन 16 कौन सी ऐसी बातें थी जो उनके जहन में थी, उनके व्यक्तित्व में थी, जिन्होंने उनको यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अंत तक देख के लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा कि किस तरह की वीडियोस आप और देखना चाहते हैं बिजनेस से रिलेटेड, और हाँ, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए ताकि सब अपडेट्स आप तक मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो 16 टिप्स में सबसे पहला फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है आपको बिजनेस को यहां तक लाने में, आपको यहां तक लाने में, वो है रिस्क। असफलता के डर से मत डरो, जोखिम उठाओ। कहते हैं जो लोग जोखिम उठाते हैं किस्मत उनके साथ चलती है। फेलियर्स, असफलताओं और मुसीबतों के लिए हमेशा तैयार रहें। जोखिम बिजनेस का पहला कदम है और असफलता दूसरा। कोई भी व्यक्ति मुसीबतों और असफलताओं के बिना सफल नहीं हो सकता। असफलता आपको सफलता को स्वीकार करने के योग्य बनाती है। असफलता से मिलने वाली सीख के दम पर ही आप सफलता की ओर आगे का रास्ता तय कर पाएंगे। रूल नंबर 3, लर्निंग। असफलताओं को एक सीख के रूप में लीजिए, जल्दी सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। रूल नंबर 4, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। नए नए बिजनेस आइडिया सोचिए, भेड़ चाल में ना चलकर अलग तरीके से सोचिए और नए प्रयोग कीजिए। अपने बिजनेस आइडिया में विश्वास रखिए। हो सकता है शुरू में दुनिया आपको पागल समझे, लोग आपको सनकी कहें, लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए आपको ये जोखिम उठाना होगा। रूल नंबर 5, सॉल्व प्रॉब्लम्स। कोई भी नया बिजनेस आइडिया बहुत कम समय में तेजी से सफल हो सकता है अगर उस आइडिया से लोगों का जीवन आसान बनता है या लोगों की समस्याएं दूर होती हैं। इसलिए अपने आसपास की समस्याओं का विश्लेषण कीजिए और ये सोचिए कि कैसे आपका बिजनेस या बिजनेस आइडिया उन समस्याओं का समाधान कर सकता है। रूल नंबर 6, लीडरशिप। नेतृत्व कीजिए, बी अ लीडर और स्वयं को जिम्मेदार बनाइए। एक टीम के कैप्टन की तरह अपनी टीम का नेतृत्व कीजिए। रूल नंबर 7, टीम बिल्डिंग। अच्छे लोगों की टीम बनाइए। व्यवसाय में पैसों से ज्यादा लोगों को महत्व दीजिए। आपके व्यवसाय में काम करने वाले लोगों को कर्मचारी ना मानकर एक साझेदार के रूप में देखिए। अपने लोगों पर भरोसा रखिए और उन्हें मौके दीजिए। रूल नंबर 8, शेयर प्रॉफिट्स। व्यवसाय में होने वाले फायदे को सभी में बांटिए। आपका बिजनेस तभी आगे बढ़ सकता है जब आपकी टीम के लोग आपके बिजनेस को अपना मानते हों। रूल नंबर 9, मोटिवेट। सिर्फ पैसा काफी नहीं है, हर रोज नए नए तरीकों से अपनी टीम को प्रेरित कीजिए और चुनौती दीजिए। बड़े लक्ष्य निर्धारित कीजिए और सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपिए। रूल नंबर 10, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर की जरूरतों को समझिए और उनको उम्मीद से ज्यादा दीजिए। कोई भी गुणवत्ता से समझौता मत कीजिए। अगर क्वालिटी शानदार है तो बिना विज्ञापन की सहायता से आपका बिजनेस तेजी से सफल होगा। लगातार फीडबैक दीजिए और अपने प्रोडक्ट या सेवाओं को बेहतर बनाइए। रूल नंबर 11, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट सीखिए। बिजनेस में पैसे किसी इंजन में पेट्रोल की तरह हैं जो बिजनेस को चलाते हैं। विश्लेषण कीजिए कि कहां कहां आप अपने खर्चों को कम कर सकते हैं और किस तरह से अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। रूल नंबर 12, कॉम्पिटिटर्स। प्रतिस्पर्धा और व्यावसायिक वातावरण को समझिए। ऐसे इनोवेटिव आइडिया सोचिए जिससे आप पूरे मार्केट को अपनी ओर खींच सकें। अपने बिजनेस या प्रोडक्ट की एक ऐसी खूबी तैयार कीजिए जो किसी भी कॉम्पिटिटर के पास ना हो। रूल नंबर 13, टेक्नोलॉजी। वर्तमान युग में टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर बन गया है। अपने व्यवसायिक वातावरण का विश्लेषण कीजिए और सोचिए कि किस तरह आप टेक्नोलॉजी की मदद से पूरे मार्केट को बदल कर रख सकते हैं। बेसिकली बिजनेस के ऑनलाइन वर्जन के बारे में सोचिए। रूल नंबर 14, नॉलेज। किसी भी एंटरप्रेन्योर के व्यवसाय को बिजनेस के हर पहलू की नॉलेज होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि बिजनेस में कौन सी चीजें किस तरह से करनी है। रूल नंबर 15, पार्टनरशिप। अपने बिजनेस में अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। अलग अलग बिजनेस के साथ पार्टनरशिप कीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि आप मिलकर किस तरह एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। रूल नंबर 16, बी रेडी। चेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहिए और अपने बिजनेस को बदलते हुए वातावरण के अनुकूल बनाइए। टेक्नोलॉजी के जमाने में अगर चेंजेस को ध्यान में ना रखा जाए तो बड़ी से बड़ी कंपनी कुछ ही महीनों में अर्श से फर्श पर आ जाती है। और एक रूल अपनी जिंदगी में हमेशा रखें, वो ये कि हार मत मानिए, नेवर गिव अप, और इसे अपनी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल बना लें। तो मुझे पूरा यकीन है कि इन 16 टिप्स को आपने जहन में उतार लिया होगा। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप हार नहीं मानते हैं, क्योंकि हमने कई बार सुना है कि जब तक आप चलते जाते हैं ना, तब तक आपकी रेस खत्म नहीं होती। जब तक आप भागते हैं तब तक रेस खत्म नहीं होती। जब आप गिर जाते हैं और फिर उठ नहीं पाते हैं,
वहाँ आपकी रेस खत्म हो जाती है और आप फेलियर कहलाते हैं। लेकिन आपको फेल नहीं होना है, आपको चलते जाना है, भागते जाना है, फिनिशिंग लाइन तक पहुँचने की कोशिश करनी है, क्योंकि फिनिशिंग लाइन तक जब आप पहुँचेंगे तभी आपका जजमेंट आएगा कि आप पास हैं या फेल हैं। लेकिन अगर आप बीच में ही रुक गए तो आप ना पास की कैटेगरी में हैं ना आप फेल की कैटेगरी में हैं। तो अपने आप से हार मत मानिए, बाकी दुनिया जो कहती है कहने दीजिए, अपना संकल्प दृढ़ रखिए, विल पावर स्ट्रांग रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।